मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार के 131वीं जयंती के अवसर पर गीता वाटिका पहुंचकर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, भाईजी ने गीता प्रेस के माध्यम से भारत की वैदिक साहित्य की जो सेवा की वह अत्यंत अभिनंदनीय है। भाई जी ने हमेशा सनातन धर्म को बढ़ावा दिया है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए कल्याण पत्रिका में अपना योगदान दिया। यदि कोई सनातन धर्म को मानता है तो उसके घर में कल्याण पत्रिका जरूर रहती थी। 1926 से लेकर अभी तक सभी ने कल्याण पत्रिका को देखा है। कल्याण पत्रिका में भारत की आध्यात्मिक व साहित्य का समावेश दिखता था। भाई जी ने जो कार्य कल्याण के संपादक के रूप में किया, कल्याण पत्रिका ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, आज भी घर घर में साहित्य को पढ़ाया जाता है। वह देश के अंदर आई हुई आपदा में अग्रिम पंक्ति में रहकर कार्य करते थे। देश की आजादी में भाई जी को जेल में डाला गया, क्योंकि वो कल्याण पत्रिका के माध्यम से सच्चाई को उजागर करते थे। भाई जी ने जो सपना देखा था उसको प्रदेश सरकार साकार कर रही है, जिसके फलस्वरूप अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा। उसके साथ ही बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। प्रदेश सरकार निरंतर जनहित के लिए कार्य कर रही है। जो देश हित है वह कार्य हो रहा है। आपका में
उनके नेतृत्व में प्रफुल्ल था। सनातन धर्म के हित में क्या हो सकता है? जो सनातन धर्म के हित में होगा, देश के हित में होगा, वही हम करेंगे। इसके अलावा हमारे किसी प्रकार के समझ और संवाद का कोई मायने नहीं। और इसको उन्होंने जीवन व्यर्थ दिखाया और देखकर कहा, देश की आजादी की लड़ाई में सभी भाई जी को नजरबंद किया गया, जेल के अंदर डाला गया, साहित्य कल्याण का साहित्य जब्त हुआ, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह केवल अपने निरंतर कार्य करते रहे। भले कुछ क्रांतिकारी इसके साथ सहयोगी बनते बने रहे। ये भक्ति की वो शक्ति है जो सदैव भारत की धरती ने दिया। यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा है और
अलग अलग कालखंडों में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग क्षेत्रों में रह करके इसको संरक्षित किया था, और वही यात्रा है जो आज भारत आगे लेकर के चल रहा है, जिसके साये में रह करके हम सब जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हुए नित नए प्रकृति के प्रतिमान स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस प्रक्रिया को एक निरंतरता देने की आवश्यकता है, और इसके लिए आवश्यक है कि हम सबके लिए कुछ प्राथमिकताएं जीवन की होनी ही चाहिए। प्राथमिकताएं कि हमें अपने देश के लिए समर्पण का भाव चाहिए, पहला देश, फिर धर्म, फिर अपनी जाति और समाज, और फिर अपना परिवार। ये चार प्रकार की प्राथमिकताएं अगर हम तय करें, कुछ भी हो, हम अपने देश के हितों के प्रति किसी भी प्रकार की षड्यंत्र को स्वीकार नहीं करेंगे। अगर हम भारतवासी संकल्प के साथ जुड़ जाएगा, भारत को दुनिया की ताकत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। Gracias.